सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में ईडन हाउसिंग स्कीम में मुतासरीन की दरख्वास्तों पर समाअत। ईडन हाउसिंग स्कीम का मालिक मुराद कहाँ है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। ईडन हाउसिंग स्कीम के मालिक मुराद ने सरेंडर कर दिया है। डीजी ने क्यों अपनी फैमिली को मुश्किल में डाल रहे हो? क्यों 33,000 लोगों की बददुआएं ले रहे हो? चीफ जस्टिस का ईडन के मालिक से मुकालमा। डीएचए के एडमिन और डीजी नैप को 5 दिसंबर को तलब। डीजी नैब सलीम शहजाद, डीजीएलटीए एतजाज अहसन और अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर साइलिंग की बड़ी तादाद जमा। इंसाफ की अपील। पंजाब असेंबली सेनेट का जमनी इलेक्शन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोनों नशस्तें जीत ली। तहरीक इंसाफ के वलीद इकबाल और सेमी एसी सेनेटर मुंतखब हो गए। वलीद इकबाल 184 वोट, साउद मजीद 176 वोट, 7 वोट मुस्तरद। सेमी एसी 183 वोट लेकर कामयाब। उनके मद्दे मुकाबल सायरा अफसल तारड़ को 175 वोट मिले। विमेन नशस्त पर 9 वोट मुस्तरद करार। एंटी करप्शन मुकदमात में वज़ीर-ए-आला का इजाजत देने का अख्तियार कलदम करार। किसी भी वज़ीर-ए-आला से करप्शन मुकदमात में इजाजत लेने का अख्तियार गैर आइनी है। सियासी इजाजत लेना तो फौजदारी कानून की बुनियादी रूह से ही मुतसादिम है। अदालत के रिमार्क्स। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात की छानबीन। पार्लियामानी कमीशन की तश्कील पर एतराज। पार्लियामानी कमीशन की तश्कील के खिलाफ चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली को अलग अलग खत। कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन नैप से मुलाकात। कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के मसाइल के हल के लिए नैप लाहौर में हेल्प डेस्क कायम। पंजाब यूनिवर्सिटी में बच्चे के लापता होने का मामला। पुलिस 5 रोज गुजरने के बावजूद बच्चे का सुराग ना लगा सकी। 16 साल दानियाल पंजाब यूनिवर्सिटी में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आया था। लेस्को एयरलाइन सब डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। पीर मंसूर गांव में 10 से ज्यादा घरों से बिजली चोरी पकड़ी गई। तरक्की पसंद और इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज की याद। अलहमरा हॉल में अजीम शायर को खराज अकीदत पेश करने के लिए फैज अमन मेले का आज आगाज। मुल्की और गैर मुल्की अदीब, शायर, मुसन्निफ और फनकार शरीक होंगे। भारतीय शायर जावेद अख्तर और उनकी अहलिया अदाकारा शबाना की भी आमद।